हाय गाइस, मसाई स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट होता है एमसेट, वो आज ट्राई करने जा रहे हैं। पहले MSAT 1 और MSAT 2 दो टेस्ट हुआ करते थे, और जिनमें MSAT 1 में आपको दो चांस मिला करते थे और MSAT 2 में एक चांस होता था। अभी उसे चेंज कर दिया गया है, अभी सिर्फ MSAT नाम का टेस्ट होता है। ये सिर्फ एक ही टेस्ट होता है और एक ही आपको चांस मिलता है क्लियर करने के लिए। सेकंड चांस आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, सेम मंथ में आपको एक ही चांस मिलता है। तो मेक श्योर आप थोड़ी तैयारी करके ही टेस्ट दें। तैयारी करने के लिए आप यहाँ टेस्ट सिलेबस में जा सकते हैं। यहाँ पर व्यू करिकुलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट शो हो जाएगी, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स दिए होंगे जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। एमसेट टेस्ट का जो मटेरियल है वो भी आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेसिक एलजिब्रा आती है, यहाँ पर इन्होंने लिंक दे रखे हैं आपको। ये इंग्लिश में भी लिंक है, इंग्लिश वीडियोस के और हिंदी वीडियोस के भी लिंक्स हैं। रेशियो प्रोपोर्शन रेट के क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज के, डायरेक्शंस के, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। तो मेक श्योर कर लें आप इन सभी वीडियोस को देख लें, और या फिर आप जिन यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं मैथ के क्वेश्चंस के लिए, आप उनकी वीडियो भी प्रेफर कर सकते हैं और टॉपिक्स आप यहां से चूज कर लीजिए। तो एमसेट जो मेटल टेस्ट है उसमें आपको तीन सेक्शन है, उसमें आपको तीन सेक्शन दिए जाते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल और कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होते हैं और 45 ही मिनट होते हैं, आपको टाइम दिया जाता है। और राइट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और जो आंसर आप स्किप कर देते हैं तो वो स्किप आंसर के लिए आपको 0 मार्क्स मिलता है, और वो आप जो स्किप कर देते हैं उसको आप री आंसर नहीं कर सकते। ओके, तो लेट्स ट्राई।
I have chosen the topic online versus offline classes. Which one do you prefer? In the online classes, the method of teaching and learning by digitalized tool and offline classes are used traditional tools for teaching and traditional methods for teaching. And coming to cost and time, online classes are cost effective and time saving, and offline classes are more expensive and more time consuming. Coming to location, online classes are held by virtual classrooms and offline classes are held by physical classrooms. Coming to communication held digitally in the online classes, but in offline classes communication is face to face communication. In the offline classes there is a synchronous approach to communicate with each other, and in offline classes there is a asynchronous approach to communicate with the student, with the teacher. Level of commitment, in the online classes students are less serious and less committed, and they could not study better because they don't discipline. But the offline classes, the teachers are in the front of the student, so students remains more serious and also keep committed to their studies. And online classes are used the tools just like Zoom, Google Meet tools, and any other video conferencing tools. And in the offline classes there is a practical learning tools just like board, pen and paper, chalks. Within the classroom, whatever the things are usable in the offline classes. ओके गाइस, तो एमसेट टेस्ट हमने दे दिया है, रिफ्रेश करते हैं. ओके, तो हमें कॉग्निटिव एबिलिटी में पास कर दिया है और मेटल टेस्ट स्कोर में भी हमें पास कर दिया. देखिए यहाँ पर हमें मार्क्स में 21 में से 11 नंबर्स मिले हैं और यहाँ 53 में से 22 नंबर्स मिले हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स आर पेंडिंग बिकॉज ये ओके. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, योर कम्युनिकेशन स्कोर इज बीइंग इवैल्यूएटेड बाय आवर टीम, दिस माइट टेक अप टू 1 वर्किंग डेज. तो अगर आपको कोई इश्यू है या कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, और या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको आंसर करूंगा आपकी क्वेरी का. थैंक यू गाइस.